ठीक है कि अगर उस समय सरकार को या उस समय के मुख्यमंत्री महोदय को ये लग रहा था कि पूर्व भारत 16 किलोमीटर दूर है, नहीं जाने देना, ये बैरियर लाइन दीजिए, ये बैरियर लाने प्रधान जी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद एनएचआई मुर्दाबाद 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 केएमसी कंपनी मुर्दाबाद 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 केएमसी कंपनी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, फोर लेन का काम बंद करो, बंद करो, बंद करो, फोर लेन का कार्य बंद करो, बंद करो, बंद करो, एनएचआई मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लोगों के बीच में ये कहना चाहूंगा कि पिछले कल कुल्लू से सुंदरनगर जा रहा एक परिवार जिसमें दो बच्चे और हस्बैंड वाइफ यहां से अपने घर के लिए जा रहे थे, और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक छोटे से बच्चे की मौत 6 मील के पास जो स्लाइड आया है उस बच्चे की दुखद मौत कल शाम को हुई है। मैं आज पंडो की जनता की तरफ से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से ये मांग करना चाहूंगा, जिस प्रकार से इस फोर लेन का काम यहां पर चल रहा है, जिस फोर लेन के काम में केएमसी कंपनी के मिली भक्ति के कारण से आज हम सब लोगों को यहां से मंडी जाना बहुत जानलेवा हो रहा है, और हम देख रहे हैं 3-4 सालों से केएमसी कंपनी जो ये काम शुरू किया है, जगह जगह पर जो स्लाइड आए हैं, और ऐसा तोहफा हिमाचल प्रदेश को जो केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है, लेकिन तोहफे के बावजूद भी जो परेशानी यहां की जनता को झेलनी पड़ रही है उसके लिए आज हमें बहुत बड़ा दुख है। बार बार प्रशासन से आग्रह करने के बावजूद भी आज हम देख रहे हैं केएमसी कंपनी की लापरवाही की वजह से दिन में 3-4, 4-5 घंटे जाम लगा रहता है, और ना जाने कितने लोगों के ऊपर, कितनी गाड़ियों के ऊपर यहां पर पत्थर आ चुके हैं, और जिला प्रशासन जो गहरी नींद से सोया हुआ है, हमने बार बार आग्रह करने के बाद भी जिला प्रशासन जागा नहीं है। और मैं आप सब लोगों के माध्यम से हिमाचल सरकार से भी ये मांग करना चाहूंगा कि जो फोर लेन का कार्य 7 मील से बिंद्रावणी तक चला है, इस कार्य को बंद करना चाहिए, और यहाँ पर एक टनल का निर्माण करने के साथ साथ लोगों की सुविधा का ध्यान रखते हुए यहाँ पर कोई व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए। आप सब लोगों से मैं, यहाँ की प्रबुद्ध जनता से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे कंपनी, जिन कंपनी के बारे में मुझे ज्यादा नहीं कहना, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि कटिंग का काम भी एक सिस्टमेटिकल ढंग से होता है, उसमें मैं ज्यादा ना बोलते हुए आज मैं यही कहना चाहूंगा, जो बच्चे की दुखद मौत हुई है उसके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए उस परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और आप सब जनता से मैं आग्रह करना चाहूंगा, ऐसे संवेदनशील मुद्दे को लेकर के यहाँ की समस्त जनता को आगे आना होगा, और आज हम इस धरने के माध्यम से प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और जिला प्रशासन को आगाह करना चाहते हैं कि इस केएमसी कंपनी से ये काम रिसाइन अगर नहीं किया तो आने वाले समय में इस रोड को जो है बंद किया जाएगा, आम जनता इस काम को करने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेगी। और मैं पिछले कल जिला प्रशासन के अधिकारियों से संपर्क जब साधा, यहाँ पर अभी भी हम देख रहे हैं कि रोड को बंद नहीं किया जा रहा है। मेरा जिला के प्रशासन से विनम्र आग्रह करना चाहूंगा
यहाँ से ना तो स्कूल के बच्चे मंडी जा पा रहे हैं। अगर यहाँ पर अगर हमारा कोई आस पड़ोस का यहाँ का व्यक्ति कोई बीमार होता है उसको हॉस्पिटल तक ले जाने में भी हमें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आज ये संकेतिक धरने के माध्यम से मैं जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार और NHAI से आग्रह करना चाहूंगा कि इस KMC की इस तथाकथित काम करने के तरीके को बंद करते हुए यहाँ किसी और कंपनी को यह काम दिया जाए और यहाँ पर फोर लेन में एक टनल का निर्माण किया जाए। इतनी बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पिछले कल रात को एक 6 साल के बच्चे की दुखद मौत हुई है, जो 6 मील के पास जो एक स्लाइड हुआ है और जिसके कारण से बहुत टाइम से यहाँ की जनता, यहाँ के लोग बहुत परेशान चल रहे हैं। प्रशासन, KMC कंपनी और NHAI को बार बार बताने के बावजूद भी ये समस्या, मुझे लगता है कि ये हमारे को फोर लेन बनने के बाद भी हमारे को इस समस्या से गुजरना पड़ेगा। आज आपके चैनल के माध्यम से ही मैं कहना चाहूँगा, जो कल ये जो बच्चे की दुखद मौत हुई है, ये मौत नहीं, एक प्रकार से ये हत्या की गई है, क्योंकि यहाँ पर KMC कंपनी की जो लापरवाही है, प्रशासन, जिला प्रशासन की जो लापरवाही है, NHAI की जो लापरवाही है, उसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। मेरा जिला प्रशासन और हिमाचल सरकार से ये विनम्र आग्रह रहेगा कि KMC कंपनी के ऊपर FIR दर्ज की जाए और फर्दर यहाँ पर एक वैकल्पिक रोड का जो है लोगों को सुविधा दी जाए और इस रोड का जो है यहाँ जब तक इसकी नई DPR नहीं बनती है, 7 मील से बिंद्रावणी तक एक टनल का निर्माण किया जाए। यहाँ पर ना तो स्कूल के बच्चे टाइम पर पहुँच पा रहे हैं, अगर यहाँ पर हमारा कोई व्यक्ति बीमार होता है तो हॉस्पिटल ले जाना मुश्किल, आम जनता को मंडी जाना मुश्किल, कब ना जाने किसके साथ कौन सी घटना घट जाए। इसलिए आज बड़े दुख के साथ ये भी कहना पड़ रहा है, जो 3-4 साल पहले जो पुल का निर्माण करने के लिए KMC कंपनी ने फाउंडेशन बनाई थी, आज जो 3-4 साल में वो फाउंडेशन ही बनी है, पुल बन ही नहीं पाए हैं और जो कटिंग जो 90 डिग्री की उससे जो है कटिंग का काम कर रहे हैं और मुझे लगता है ये सदा के लिए समस्या बनी रहेगी। यहाँ पर एक टनल बननी चाहिए और ये सब लोगों की मांग है और इस समस्या के निजात पाने के लिए जिला प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्था करे और अन्यथा अगर इस बच्चे के हत्या के ऊपर, अगर KMC कंपनी के ऊपर यहाँ पर अगर FIR दर्ज नहीं की गई तो हमें मजबूरन होकर के हाई कोर्ट में अपील करनी पड़ेगी, जिसकी जिम्मेवारी जिला प्रशासन, KMC और NHAI की होगी। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं आज एक बार पुनः जिला प्रशासन को आगाह करना चाहूंगा कि आप इस रोड में व्यवस्था करें और KMC कंपनी से ये काम रिसाइन करके किसी बड़ी कंपनी को दे ताकि यहाँ पर लोगों को असुविधा का सामना ना करना पड़े। इतनी बात कह करके मैं अपनी वाणी को भी अपना दायित्व बताओ। मैं उपधान ग्राम पंचायत पुंडो, मैं जनता की तरफ से सरकार से यह मांग रखता हूँ कि KMC कंपनी से यह काम वापस लिया जाना चाहिए और 9 मील के पास टनल का निर्माण होना चाहिए और बाकी वैकल्पिक सड़क के रूप में हमारे पास यहाँ से धुआं देवी से होकर सड़क जाती है जिसका काम सिर्फ 6 किलोमीटर मात्र रह गया है। ऊपर हमारे थाई नामक स्थान तक, वहां तक उद्घाटन बस से चलती है तो सिर्फ 6 किलोमीटर जो है हमारी दूरी रह गई है। तो सरकार से हम डिमांड करते हैं कि उस वैकल्पिक रोड के तौर पर इसे बहाल किया जाए ताकि ऐसी जो दुर्घटनाएं ना हो सके। मैं बालक राम, स्थानीय निवासी, गत रात्रि को राष्ट्रीय राजमार्ग चंडीगढ़ मनाली 6 मील के पास बड़ी दुखद दुर्घटना हुई है, हम उसके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं मगर जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जिला प्रशासन वैकल्पिक सड़क मार्गों का प्रयोग करें, उनमें ग्रांड से मंडी जो सवारी जो साथी मंडी के लिए जोविंदर नगर के लिए पालमपुर के लिए जाना चाहते हैं उनको पुलिस बाया ग्रांड होकर के मंडी उनको कमांड बाया कमांड भेज सकती है और पंडो से 30 किलोमीटर का सड़क मार्ग मंडी के लिए पंडो से धुआं देवी जो बिल्कुल लाइट व्हीकल के लिए बिल्कुल सुरक्षित सड़क मार्ग है वहां से भेजी जा सकती है और करसोग तथा शिमला के लिए पंडो डैम के साथ जंजैली रूट पे कांडा नामक स्थान से गाड़ियों को ट्रांसफर किया जा सकता है। इससे जहां ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी, चैल चौक से हम हैवी व्हीकल को ट्रांसफर कर सकते हैं, इससे जो लोग हैं वो प्रभावित नहीं होंगे और प्रशासन के लिए भी कोई समस्या नहीं होगी और जो पर्यटक हैं उनके लिए भी कोई समस्या नहीं होगी। प्रशासन को
इस वैकल्पिक इन सभी वैकल्पिक मार्गों के ऊपर अपनी रणनीति तय करनी होगी, इससे ही लोगों का भला हो सकता है। थैंक यू। आज नरसिंह लाल पूर्व मेम्बर परिषद, आज जो ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर पंडोह की जनता के द्वारा किया जा रहा है, ये जो फोर लेन पंडोह से मंडी में जो बार बार भूस्खलन हो रहा है, रास्ता बंद हो रहा है, इसके संबंध में ये धरना प्रदर्शन आज पंचायत प्रतिनिधियों और आम जनता के आक्रोश से जो यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है, तो इसके माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि NHAI जो फोर लेन का निर्माण कर रही है, इसमें हमें लगता है कि जो कंपनी KMC जो यहाँ जिसको काम दिया है, ये इनकी सबसे बड़ी कुताही है। यहाँ देखिए आप, जो पंडोह से मंडी के लिए जो पुलों का निर्माण हो रहा है, एक कब से मेरे ख्याल में कम 2 साल उसके गड्ढे को बनाए हुए हो गई है, लेकिन कोई पिलर खड़ा नहीं किया है, जिसके कारण की सड़क धंस रही है और ऊपर से स्खलन हो रहा है। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है, ये KMC कंपनी के खिलाफ जो ये बात जाती है। और जहाँ 6 मील के पास रास्ता बंद हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये इतनी पक्की सड़क है और ऊपर से जो है वो पक्का पहाड़ है, पक्के पत्थर आ रहे हैं, क्योंकि ये नीचे जो है ब्लास्टिंग कर रहे हैं, ये इनका जो है तकनीकी तौर पर जो है ये उसका काम नहीं कर रहे हैं। जो इनके भूगर्भ वैज्ञानिक है, क्या उनको नहीं पता किस प्रकार से इसका जो कटिंग की जाए? तो इसलिए इसका सर्वे किया जाए, दोबारा किया जाए, या टनल बनाया जाए, जैसे लार्जी में फ्लाईओवर बना करके सड़क को तैयार किया गया है, यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है। तो इसलिए हम सब जनता की मांग है कि इसका जो है वो रिसर्वे किया जाए और वैकल्पिक मार्ग के तौर पर, जैसे पंडोह से सुंदरनगर के लिए गोर बाया चार चौक है, यहाँ से धुआं देवी होके मजवाड़ होके मंडी जो है रास्ता निकलता है, ये वैकल्पिक मार्गों का भी निर्माण किया जाए। तो इसलिए हमारी पूर्ण जोर मांग है कि इसके लिए हो सके हम तैयार हैं। अगर ये अब रात को भी एक बच्चे की डेथ होगी वहाँ, तो वहाँ इंतजाम भी नहीं है कि वहाँ देखें कि ऊपर से कैसे क्या पहाड़ आ रहे हैं। जो ये काम इनके भूगर्भ वैज्ञानिकों का है कि वो देखें कि यहाँ खतरा है, ऊपर से पहाड़ आ रहा है। तो इसलिए ये तो KMC कंपनी के ऊपर जो है वो अदालत में भी इसका केस बनाया जाता है, बन सकता है। तो हम उसके लिए भी तैयार है कि इनके खिलाफ जो है वो कोर्ट में केस दायर किया जाए। तो इसलिए KMC कंपनी को आगाह किया जाता है, फोर लेन की NHAI को भी आगाह किया जाता है कि इसका जो है वो स्थायी जो समाधान ढूंढा जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।